सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज, दिस इज़ राम सोनी। इस समय ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जो कंडीशंस हैं उसको लेकर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के मन में कन्फ्यूजन है, इसलिए ऑफिशियल गैजेट लेकर आए हैं, इसके साथ डिस्कस करेंगे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप बनवाने जाते हो सर्टिफिकेट और कभी कभी आपको दिक्कतें होती हैं ऑफिसर्स के सामने, इसलिए मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाया हुआ है। ये मध्य प्रदेश सरकार का है, लेकिन आप किसी भी राज्य के हों वहाँ का एक ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जिसके जिसमें प्रॉपर तरीके से नॉन क्रिमिनल की जो कंडीशंस हैं वो लिखी होंगी, है ना। तो जो अपने तहसीलदार से आप मांग सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड भी करा देंगे, है ना। तो आइए देखते हैं बेसिकली कौन कौन सी कंडीशंस हैं नॉन क्रिमिनल की, ज़रा इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। नाउ लुक एट दिस वन। यहाँ पर पहली कंडीशन आपके सामने लिखी है कि माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी वन अधिकारी हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्रिमिनल में आओगे, मतलब दोनों में से कोई, माँ बाप में से कोई भी एक यदि क्लास वन गजेटेड ऑफिसर है, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स में कोई भी एक आईएएस है, आईपीएस है, तो उस कंडीशन में कोई भी एक हो, दोनों है तो फिर होगा ही होगा, लेकिन कोई भी एक यदि होता है तो उस कंडीशन में भी आप क्रिमिनल में आओगे और आपको ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको फिर नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिखी है कि माता पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी टू के, मतलब क्लास टू गजेटेड ऑफिसर हूँ, माता पिता दोनों, लेकिन दो में से यदि कोई एक है तो उस कंडीशन में आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन सपोज करिए इन केस दोनों क्लास टू में आते हैं तो उस कंडीशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है नॉन क्रिमिनल के लिए। हालांकि कंडीशन और बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन कंडीशन है उसको हमने यहाँ पर टिक कर रखा है। और तीसरी कंडीशन में तो और बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वगैरह है, तो इतने केसेस इतने आपके पास आते नहीं है। लेकिन एक और कंडीशन है, यदि आप क्लास थ्री इंप्लॉई हैं तो उस कंडीशन में आपको नॉन क्रिमिनल ही माना जाएगा, चाहे आपकी कितनी भी सैलरी हो। तो याद रखिए जो गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं उनके केसेस में जो सैलरी है वो कंसिडर नहीं होता। इवनली यदि आप कृषि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो भी इनकम उसमें काउंट नहीं होती है, ऑलराइट। लेकिन सपोज करिए आप किसी प्राइवेट सेक्टर में आप इंप्लॉई हैं या कोई बिजनेस आप चलाते हैं और वहां से आपका रेवेन्यू यदि 8 लाख रुपए, आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का रेवेन्यू 8 लाख पार कर जाता है, तो उस कंडीशन में फिर आपको क्रिमिनल माना जाएगा। नाउ लुक एट दिस वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लेकर बहुत सारे फ्रेंड्स के मन में कंफ्यूजन है। इस पे लिखा है यहां पे, क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी वन, मतलब क्लास वन गेस्टेड ऑफिसर हो या क्लास टू गेस्टेड ऑफिसर हो, तो क्या इस कंडीशन में उसको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहां पर स्पष्टीकरण दिया है, उम्मीदवार के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है, मतलब आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, आपके पेरेंट्स का लेवल क्या है, उसके आधार पर किया जाता है, ना कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति पत्नी की हैसियत अथवा आय के आधार पर की जाती है। मतलब इवनली यदि आपकी शादी कल को हो जाती है किसी क्लास वन गजेटेड ऑफिसर से, सपोज करिए आपकी वाइफ क्लास वन गजेटेड ऑफिसर है, आपके हस्बैंड क्लास वन गजेटेड ऑफिसर है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो नॉन क्रिमिनल स्टेटस है वो आपके पेरेंट्स के उस स्टेटस में जाएगा, मतलब आपके पेरेंट्स का लेवल क्या है उस आधार पर आपको एनसीएल स्टेटस मिलता है, ऑलराइट। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप कहीं भी किसी भी जगह यदि आप बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत ना हो, चूँकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको हल्की दिक्कतें आ रही हैं, बिकॉज कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो क्लास टू ग्रेडेड ऑफिसर हैं, कुछ क्लास वन वाले भी हैं, उनको ओबीसी एनसीएल बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? बिकॉज आपकी इनकम या आपका लेवल उस पर डिपेंड नहीं करता, आपके माता पिता की जो हैसियत है उस पर डिपेंड करता है कि आप एनसीएल, आपका सर्टिफिकेट बनेगा नहीं बनेगा, आपके वेली हस्बैंड या वाइफ के स्टेटस से भी कोई मतलब नहीं है, आपके पेरेंट्स की इनकम पे केवल डिपेंड करता है कि आपका नॉन क्रिमिनल स्टेटस बनेगा या नहीं बनेगा, ऑलराइट। अब यहां पे कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा पुराना नोटिफिकेशन है इसलिए यहां पे 6 लाख का लिखा हुआ है, वैसे प्रेजेंट टाइम में 8 लाख हो चुका है, लेकिन बाकी जो कंडीशन है वो यथावत बनी हुई है। यहां पे लिखा भी आपके सामने, किसी व्यक्ति के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवारों की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति पत्नी की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, मतलब क्या रखा जाएगा, सिर्फ आपके माता पिता की आय या उनका जो स्टेटस है वही रखा जाएगा। आई एम श्योर इससे आपको काफी सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि जो हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है उसमें कई सारे फ्रेंड्स के बहुत सारे मैसेज आए हैं, उस पर मैं
एक डिटेल डिस्कशन करूंगा, जहां पे हर किसी के मैसेज को डिस्कस करते हुए मैं उसका जो डिस्कशन है, मतलब जो सोल्यूशन है, उसको डिस्कस करूंगा। तो वो आप थोड़ी देर में देख पाएंगे, तकरीबन 2-3 घंटे में आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। लेकिन इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि बेसिकली आपके इनकम का आपके नॉन क्रिमिनल स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, आपके हस्बैंड वाइफ के इनकम का भी कोई मतलब नहीं है, आपके हस्बैंड वाइफ की रैंक का भी कोई मतलब नहीं है, आपके सिर्फ माता पिता का जो लेवल है वही डिपेंड करता है कि आपको नॉन क्रिमिनल स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो ये रहा डिस्कशन हमारे इस टॉपिक में, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।